फ्रेंड्स, अगर जो आप केबल ऑपरेटर हैं तो नए नियमों के तहत आपको भी कैफ फॉर्म भरने की सूचना मिल गई होगी। हमें बताने वाले हैं कि आप इस कैफ फॉर्म को कैसे सबमिट करेंगे ताकि 29 तारीख के बाद भी आपके सारे कस्टमर केबल टीवी का आनंद लेते रहें। तो ये हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। आपने सबसे पहले गूगल क्रोम या फिर फायरफॉक्स, जो भी आपके कंप्यूटर में ब्राउज़र है, उसके थ्रू साइट पे लॉगिन करके आपने पहुंच जाना है ऐसी स्क्रीन पे। अब यहाँ पे हम बॉक्स नंबर को डाल के सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, देन असाइन पे क्लिक करेंगे। असाइन पे क्लिक करते ही आपको एक फॉर्म ऐसे खुल जाएगा जिसमें आपको वन बाय वन सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, जिनमें रेड असाइन है उन्हें भरना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखते रहिए किस तरह से इसमें सबसे पहले हम कैफ फॉर्म डालेंगे। कैफ नंबर हमने एंटर कर दिया। कैफ नंबर आपको आपके मेन ब्रांच से मिल जाएगा। ये हमने कस्टमर का फर्स्ट नेम डाल दिया, ये लास्ट नेम, यहाँ पे हम आईडी टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर आईडी नंबर, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कई प्रकार के आईडी टाइप हैं, तो जो भी आप आईडी सेलेक्ट करें वही आईडी नंबर भी डालें। वैसे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर आपने सिर्फ वही ऑप्शन फिल करने हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, जिससे कि आपकी समय की बचत होगी। नीचे आते हैं, इसमें कंट्री इंडिया रहने देंगे हम, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और कस्टमर का सिटी एरिया भी सेलेक्ट कर लेंगे, देन मोबाइल नंबर डालेंगे। दोस्तों, इस फॉर्म को भरते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो भी बॉक्स डीएक्टिवेट हो, इस फॉर्म को सबमिट करते ही वो बॉक्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, फॉर्म सबमिट होने के बाद दोबारा उस बॉक्स को सर्च करना है और फिर उसे डीएक्टिवेट भी कर देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद इसमें हम ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, अगर जो आपके पास इसके बाद कस्टमर का जो भी आपने बॉक्स दिया है वो बॉक्स टाइप सेलेक्ट करेंगे, अगर जो एचडी दिया है तो एचडी बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और अगर जो नॉर्मल बॉक्स दिया है तो नॉर्मल बॉक्स पे सेलेक्ट करके ये लास्ट में ऐड टू कस्टमर कर देंगे और आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।